नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इसलिए आपका एक केस स्टडी है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। मेंशन द टू टाइप ऑफ फिशेज डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। अब इसके लिए अगर आप पैराग्राफ में देखो, इसके लिए आपको देखो पैराग्राफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया कि मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेज के बेसिस पे हम फिश को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैप्चर फिशिंग, एक होता है कल्चर फिशिंग। तो यही इसका आंसर कि जो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो उसके बेसिस पर हम इसको कितनी टाइप्स पर डिवाइड कर सकते हैं, दो, कैप्चर और कल्चर। फिर विच फैटी एसिड इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन फिश, ओमेगा 3। ओमेगा 3 इज रोहू अ बोनी फिश, यस रोहू बोनी फिश होती है। इन विच टाइप ऑफ फिशरीज इट इज यूज, तो यहाँ पर देखो आप बोनी फिशीज कौन सी फिशीज पर आती है, फिन फिशरी में, तो फिन फिशरी में इसका यूज होता है। अब यहाँ देखो पैराग्राफ की नीड पड़ रही है, तो जब क्वेश्चन से पता लग जाता है, दैट क्वेश्चन को तो सीधा लिखो, नहीं तो पैराग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर कहा गया बड़ी द डिफरेंस बिटवीन कैप्चर, कैप्चर फिशरी देखो क्या होता है, जो फार्मर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी और रिवर्स से नेचुरल वे में फिशिंग करते हो कैप्चर होता है। कल्चर जो होता है, जो फिश को रेयरिंग करके मतलब इसको कमर्शियल पर्पज के लिए वो किया जाता है, वो आपका कल्चर फिश। तो अगर आप आंसर देखो तो फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट का आंसर क्या है, देखो टू टाइप ऑफ फिशरीज कैप्चर और कल्चर फिशरीज हो गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, रोहू एक, यस रोहू बोनी फिश होती है, दैट इज इट कैन बी यूज इन फिन फिशरी। और कैप्चर फिशरी का मतलब होता है इट इज अ ट्रेडिशन फिशिंग वेयर अ फिशरमैन, शायद मैंने फार्मर बोल दिया था, वेयर अ फिशरमैन कैचेस द फिश फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स लाइक द सी एंड रिवर। और कल्चर फिशरी में क्या होता है, इज द वन वेयर द फिश आर ऑब्टेन्ड एंड रियर फॉर द कमर्शियल पर्पस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,